हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से हाउ आर पॉलिटिकल पार्टीज रिकॉग्नाइज्ड एज द रीजनल एंड नेशनल पार्टीज इन इंडिया एक्सप्लेन विद एग्जांपल। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी को रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी के तौर पे रिकॉग्नाइज किया जाता है, कैसे पता लगता है कि हाँ ये वाली पर्टिकुलर पार्टी एक रीजनल पार्टी है और ये एक पर्टिकुलर पार्टी नेशनल पार्टी है, ये कैसे पता लगता है, कैसे हम इसको क्लासीफाई करते हैं, ये आपको बताना है एग्जाम्पल के साथ। तो देखो, अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट एंड विन एटलीस्ट 2 seats इज कॉल्ड द स्टेट पार्टी या रीजनल पार्टी। देखो, एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में या तो 6% वोट मिले हो या फिर वो 2 सीटों पर जीती हो, सीट ये बैठने वाली सीट नहीं है बल्कि संसद की सीटें हैं, तो जो 2 सीट में जीती हो पार्टी वो होती है आपकी स्टेट पार्टी या फिर इसको रीजनल पार्टी भी बोला जाता है। तो रीजनल पार्टी भी लिख लेंगे आप ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, स्टेट पार्टी और रीजनल पार्टी एक ही है। अब एग्जांपल की बात करें तो ये जो तृणमूल कांग्रेस है ये क्या है, वेस्ट बंगाल की एक रीजनल पार्टी है, ये रीजनल है ये ठीक है, एक रीजनल पार्टी है, स्टेट पार्टी है। वही नेशनल पार्टी की बात करें, अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट इन द लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन में या संसद के इलेक्शन में जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को 6% वोट मिलते हैं और असेंबली के इलेक्शन में वो 4 राज्यों में जीती हुई होती है और असेंबली इलेक्शन इन 4 states एंड विन 4 seats इन लोकसभा और लोकसभा में उसको 4 सीटें मिली हूँ, उसको बोलेंगे एक नेशनल पार्टी। यानी कि नेशनल पार्टी बनने के लिए 3 criteria है, या तो लोकसभा के इलेक्शन में उसको 6% वोट मिले हों, या लोकसभा के इलेक्शन में उसको 4 सीटें मिली हों, या फिर स्टेट असेंबली के इलेक्शन में वो 4 राज्यों में जीती हो, तब कोई पॉलिटिकल पार्टी एक नेशनल पार्टी के तौर पर रिकॉग्नाइज की जाती है। आपको एग्जाम्पल देने हैं तो देखो, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये कुछ ऐसी पार्टी हैं जो कि पूरे देश के लेवल पे काम कर रही है, नेशनल पार्टी है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।